हेलो पाइसिस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि पाइसिस यानी मीन राशि है तो चलिए देख लेते हैं 3 से 9 के बीच में जुलाई मंथ में यानी जुलाई 2022 में आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला है। यहाँ से मेन मैसेज चेक करेंगे, यहाँ से हम उस मैसेज को ही क्लैरिफाई करेंगे और ये एंजल मैसेज है। इसे हम साइड कर देते हैं पहले। चलिए पॉजिटिव रहें। द फूल, ये अपने आप ही फ्लिप आउट हुआ। एक दूसरा कार्ड, द हायरोफेंट, वाओ। द मैजिशियन रिवर्स, यहाँ से मुझे लग रहा है कि किसी को सुनकर, बाहर का सिचुएशन देखकर आप डिसीजन मत लो। आप अपने मन की सुनो, बार बार सवाल करो, जो भी आंसर आएगा आप उसके मुताबिक चलो। अभी आप किसी की बात मत सुने तो ही अच्छा है, ऐसा मुझे लग रहा है। आप अपने मन की सुने तो ही आपके लिए अच्छा होगा। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि द हायरोफेंट है, तो आपके पास कोई शादी का प्रपोज़ल 3 से 9 तारीख के बीच में आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है जुलाई मंथ में। और कोई लव ऑफ़र भी आपके पास आ सकता है, कोई फ्रेंडशिप का ऑफ़र भी आपके पास आ सकता है, जो कि बाद में जाके आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है। तो कोई लॉयल इंसान के तरफ से आपके पास एक शादी का ऑफ़र आने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। शादी की बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे, और यहाँ पर कोई ट्रू लव ऑफ़र आपके तरफ कोई ले आना चाहता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये कार्ड आपको जो बताना चाहते हैं, ये कार्ड भी वही आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने दिल से फैसला लीजिए, किसी को देखकर सुनकर नहीं। और आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलिए, वरना 3 से 9 तारीख के बीच में कोई भी सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो सकता है जिसमें आप फंस सकते हो, जहाँ से आपका बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलिए, दिमाग को ज़्यादा मत चलाए, मन को चलाए। तो चलिए इस कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, पॉजिटिव रहें। क्लैरिफाई करने के बाद और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, द चैरियट, द हायरोफेंट, आप सोच भी नहीं सकते हो, यहाँ पर द हायरोफेंट है, यहाँ पर भी हायरोफेंट है। ओह माय गॉड, द जजमेंट। तो यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं पहले बता देती हूँ। एक बात पहले आप सुन लो, यहाँ पर कोई भी माइनर कार्ड नहीं आया है। द चैरियट, द हायरोफेंट, द जजमेंट, यहाँ पर सारे के सारे मेजर अरकानाज है। तो 3 से 9 के बीच में जुलाई मंथ में कुछ मेजर चीज़ें आपके लाइफ में होने वाला है। यहाँ पर टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद लीब्रा है, कैंसर है, वर्गो है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है। बहुत से लोग अपने पर्सन की एनर्जी, अपने पर्सन के साइन यहाँ पर ढूंढते हैं। तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, अगर साइन नहीं भी मिलती है तो रीडिंग रेजोनेट कर जाती है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि आपको खुद में थोड़ा सा बैलेंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंसे हो जहाँ पर आप डिसीशन नहीं ले पा रहे हो, तो 3 से 9 के बीच में आप वो डिसीशन ले पाओगे। और यहाँ पर द मैजिशियन रिवर्स को ही क्लैरिफाई कर रहा है, द चैरियट। तो यहाँ से मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो ज़रूर से ज़रूर पूरा होगा, पर उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग को शांत करना पड़ेगा, मन को शांत करना पड़ेगा, आपको बैलेंस में जाना पड़ेगा। कोई एक पर्सन है जो आपका हेल्प करने वाला है 3 से 9 के बीच में जुलाई मंथ में, आपको इस सिचुएशन से बाहर लाने के लिए। तो वो पर्सन कोई मेल इंसान हो सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हो, कोई मेल इंसान होंगे, ये फीमेल इंसान नहीं है, आपके डियर या फिर नियरेस्ट कोई इंसान हो सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये कार्ड भी वही शो करता है, यहाँ पर द हायरोफेंट को ही क्लैरिफाई कर रहा है, द हायरोफेंट, ओह माय गॉड। तो आप देख ही सकते हो, तो आपको स्ट्रांगली कोई इंसान ऑफर करना चाहते हैं, वो इंसान दिल से आपको पसंद करते हैं, आपको शायद नहीं पता है या फिर पता है, आप इग्नोर कर रहे हो उस इंसान को, ऐसा भी हो सकता है।
तो यहाँ से मुझे ऐसा ही लग रहा है कि स्ट्रांगली कोई लव ऑफर या फिर कोई शादी का प्रपोजल आपके पास ज़रूर से ज़रूर आने वाला है। यहाँ पर 3 से 9 तारीख के बीच में मैंने बोला, तो 5 तारीख को ही यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो 5 तारीख को ही बहुत से लोगों के पास ये ऑफर जाएगी। और यहाँ से आप देख सकते हो द फूल को क्लैरिफाई कर रहा है द जजमेंट। तो अगर आप इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही चलते जाओगे तो आपके पास जजमेंट ज़रूर से ज़रूर आ जाएगा। आप बाहरी किसी की बात मत सुने, आप अपने दिल की सुने, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। 3 से 9 के बीच में एक जजमेंट आपके पास ज़रूर से ज़रूर आने वाला है, क्योंकि इतने सारे खुशियाँ आपके पास आने वाले हैं। तो 3 से 9 आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाने वाला है लव लाइफ की तरफ से। और यहाँ पर बहुत से लोग अगर कुछ दिनों से परेशान थे कि उनके पर्सन उनको कॉल टेक्स नहीं कर रहा है, आप दोनों के बीच में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या फिर आप दोनों अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे बहुत दिनों से, तो 3 से 9 के बीच में आपके पास एक कॉल, एक टेक्स्ट, एक मैसेज, कोई मेल आपके पास आ सकता है उस पर्सन की तरफ से। यहाँ पर जजमेंट ज़रूर से ज़रूर होगा। आप अगर कुछ दुविधा में फंसे हुए थे बहुत दिनों से, तो वहाँ से आप ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर बाहर आते हुए दिख रहे हो। तो चलिए देख लेते हैं एंजल मैसेज। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है, अगर बहुत दिनों से आप रियूनियन के लिए सोच रहे थे, तो द हायरोफेंट के साथ वो भी यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। तो चलिए देख लेते हैं एंजल मैसेज। अगर आप एंजल से कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, हाँ या ना में जवाब आ सकता है। इसके अलावा आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग एंजल जो भी सही समझेंगे वो मैसेज यहाँ पर आ जाएगा। नोटिस द साइंस। तो डिवाइन की तरफ से आपके पास बहुत सारे साइन भेजे गए हैं, तो आपको सिर्फ नोटिस करना है। शायद आप बहुत दिनों से एंजल नंबर्स दिख रहे हो, 1111 हो सकता है, 69 हो सकता है, या फिर 222555 कुछ भी हो सकता है, आप दिख रहे हो। 69 दिखने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 69 लव के साथ, ट्वाइन फ्लेम के साथ, सोलमेट के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये नंबर भी आप दिख सकते हो, या फिर कोई कॉइन, फेदर, या फिर कोई खुशबू आप पा सकते हो। कुछ भी हो सकता है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस साइन को नोटिस करना है और इसका मतलब समझना है। और एंजल्स आपको ये भी बता रहे हैं कि उनके लिए आप बहुत ही ज़्यादा खास हो और आप अकेले नहीं हो। एंजल्स हर वक्त आपके साथ है, किसी भी सिचुएशन में आप अकेले नहीं हो। एंजल साइन के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ओके, बाय।